क्या आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और दुबई में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दुबई हुकूमत ने अनलाइसेंस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भारी जुर्माना आयद करने का फैसला किया है जो कि जुलाई से लागू होगा और ये फाइन 3,000 दिरहम से 10,000 दिरहम तक होगा। ये कानून उन सब इन्फ्लुएंसर्स के लिए होगा जो कि या तो प्राइवेटली काम कर रहे हैं या तो गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड हैं। इसके साथ साथ दुबई हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को गवर्नमेंट लाइसेंस ऑब्टेन करना होगा, यानी कि सिर्फ एमिरेट्स आईडी कार्ड से काम नहीं चलेगा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइसेंस इशू करवाना होगा। अगर आप एक फॉरेनर की हैसियत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं और आप दुबई में एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं और आपको इस केस में लाइसेंस जो है वो ज़रूर ऑब्टेन करना पड़ेगा, सिर्फ एमिरेट्स आईडी कार्ड से काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइसेंस आपको कहाँ से इशू करवाना है, तो टैम प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर्विसेज की तरफ से ये लाइसेंस इशू होगा। और याद रखें, अगर आप ये लाइसेंस नहीं लेते तो आपको फाइन भी किया जाएगा और आपकी कंपनी को भी क्लोज किया जा सकता है। अगर आप चाहे आप गवर्नमेंट की तरफ से भी काम कर रहे हैं या आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, दोनों केसेस में आपको ये फाइन भी हो सकता है और आपकी कंपनी को भी साथ साथ क्लोज कर दिया जाएगा। ऐसी मजीद मालूमात के लिए DXB अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसी काफ़ी अपडेट्स मिलने वाली हैं।